अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो हमारे बच्चे जो हैं सुबह से आए हुए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, तो उन्होंने किचन गार्डन जो है वो भी मेंटेन करके रखा है। तो हमारे यहाँ जगह कम होने की वजह से बच्चों ने जो प्लांट लगाए हैं वहाँ पर उनको क्लाइम कर दिया, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जगह कम होने की वजह से, लेकिन फिर भी बच्चों ने बड़ी कोशिश की है और अच्छे ढंग से जो काम है वो किया है, बच्चे हमारे बहुत खुश हैं। कल जो हमने एक्टिविटी करवाई थी यहाँ पर, तो कल की हमारी एक्टिविटी थी अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, तो कल भी बच्चों ने अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया, तो बच्चे बहुत हमें खुश नज़र आए। तो ये सब है, तो आज था हमारा सस्टेनेबल फूड सिस्टम के टॉपिक था हमारा आज का। तो बच्चों सस्टेनेबल का जो मीनिंग है वो ये है टू डिलीवर। मैम आपको बच्चों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो आपके वॉलंटियर जिस पर ये सब कुछ काम आप कर रहे हो, तो बच्चों का कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? और बच्चे बहुत खुश हैं। क्या ये एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं आपकी हर किसी एक्टिविटी में? एक्टिवली इन्वॉल्व है सर। हालांकि बहुत ज्यादा धूप भी है और इसके बावजूद भी आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल तो उसके बाद प्लांट्स आपने लगाने हैं। प्लांट लगाने का मकसद ये है कि जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है, जो सॉइल होती है वो वाशअवे हो जाती है। अगर प्लांट्स लगाओगे आप तो उससे क्या होगा, आपकी लैंड बच जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपने बताना है घरों में, ये आपने हर जगह इंफॉर्मेशन देनी है कि ये मैंने अच्छी तरह से लगाया। ये पेड़ के साथ लगता है ना, थोड़ी जगह समर कैंप का। तो आज की एक्टिविटी में मेरे ख्याल में सभी बच्चे बिजी हैं। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि आज क्या एक्टिविटी है आपकी? शाबाश बच्चे। सर हमारे समर कैंप का सेकंड डे आज, और आज की एक्टिविटी हमारा किचन गार्डन, और हम प्लांटेशन कर रहे हैं। हमारे स्कूल की जगह कम होने की वजह से हम बॉटल काट के उनमें प्लांटेशन कर रहे हैं। हम पूरे स्कूल में प्लांट्स लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लकड़ी लगाना तो हाईएस्ट है, इसको
सर जरा थोड़ी सी जगह देना मुझे उसको लकड़ी क्यों करो फोन दो चलो सर हमने इको क्लब के अंडर ना हमने एक प्रोग्राम रखा था तो हमने बच्चों को ये बताना है कि फास्ट फूड का यूज ना करें। फास्ट फूड जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें वो बहुत सारे बीमारियों का शिकार बना देते हैं, इसलिए हमें जो है हेल्दी फूड्स का यूज़ करना चाहिए। तो हेल्दी फूड में हमने स्प्राउट्स रखे हुए हैं और ये सैलेड वगैरह है, जो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड में हम एक तो ये जो कुछ रखा हुआ सैलेड वगैरह, ये अगर ऑर्गेनिक हो तो और भी बेटर है।